पुश्तैनी लहंगा है ये आपको पहनने जब आप बड़े हो गए। नहीं मेरे नहीं। इतनी बड़ी बात मुझे आज पता चली जो मुझे एक्चुअल में उससे पता होती तो मैं ये गलती तो नहीं करती कि इतना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। और आप कह रहे थे कुछ दिन से व्लॉग नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे थे गाइज क्योंकि पहले बता दूं कि मेरा जो बुटीक है, मेरा जो स्टोर है वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है बहुत बिजी थे। और अभी जो है सारा सामान जो है अभी फिलहाल मेरे घर पर आ चुका है, मतलब इतनी मशीनें हैं, इतने कपड़े हैं, इतना सामान है। और उन सब सामान को देख कर पता लग रहा है कि मैंने जो है कुछ सालों में बहुत कुछ जोड़ लिया है। चुप चुप नाटक कर रही हूँ। 6 साल हो जाएंगे हमको परसों, और 6 साल में मैंने वो सामान स्टोर करके रखा है, बट वो किस हालत में है वो आप लोग देखना। और पहले मैं आपको लेके चलती हूँ। मेरे घर को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि घर बहुत फैला हुआ है, एज आई सेड कि सारा सामान यहाँ आ चुका है, तो घर को इग्नोर करना और व्लॉग को पूरा देखना। यहाँ जो है दूध उबल रहा है, गैस वैस साफ करनी बच रही है, कि मैंने अपनी सगाई की अंगूठी पहनी हुई है, मगर अगर आप इनके हाथ देखेंगे इनको कोई नहीं टोकता, इनकी सासें नहीं होती टोकने वाली, इनकी नंदे देवरानी जेठानियाँ नहीं होती टोकने वाली। हम ना पहने तो दिक्कत है। क्यों नहीं पहनी आपने अंगूठी? और आज के दिन क्यों नहीं पहनी? अब पहन लूँ। मैं क्यों पहनाऊँगी? मेरे को क्या उन्होंने पहनाई है? तो आई बड़ी अपने चाचा की साइड लेने वाली। एक्चुअली जिम जाना होता है तो जिम में कोई जिम नहीं जा रहा है, झूठ मत बोलो अभी तुम, कोई जिम नहीं जा रहा। ये सब एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट है गाइस। ये 22 तारीख को ये आदमी कह रहा है आज एंगेजमेंट वाले दिन, गौर से देखो, ये प्रॉब्लम क्रिएट है। अब तू कुछ बोलना चाहेगी इस बारे में या अभी भी तुम्हें चाचा की साइड लेनी? ये हमारी एंगेजमेंट डे वाली, ये है शादी वाली, और ये है बेटा मम्मी अंगूठी पहना दिए जा, आ जाओ। क्लैपिंग। ऐसे पूरा मत निकाल, पूरा मत, सारा खोलो मत सर। आ ये मेरा लहंगा, दिन शगना द चढ़िया आओ सखी। ये लहंगा ये लेके आया मैं 1 लाख रुपए में। धूप भी लगने देंगे हैं? अभी पूरे नहीं दिखा ना, रख जाओ। चलो जब अब उसको भी धूप में रख दो। आज भी बहुत सुंदर है। तब आपके पास कमर हुआ करती थी। हमारे पास कमरा है, आ जाएगा। ओ शैडो आ रही है मेरी, तो फिर हट हट के दिखा। मैं हमने सोचा था कि हम यहाँ बैठ के बना रहे ताकि मेरा लहंगा ढंग से दिखे, और ये इसको ये चाहिए। उस समय वो वाला ऑनेस्टली फैशन नहीं था, वो जो नाम वाले लटकन चल रहे हैं राज के सब चल रहे हैं, तो अब मेरा तो बिल्कुल एंड टाइम पे लहंगा आया था शादी से जस्ट 2 दिन पहले, 2 दिन या 1 दिन पहले, तो मेरे पास चेंजेस कराने के लिए टाइम था, बट मैं लहंगे से इतनी सेटिस्फाई थी। ये लहंगा इसको बहुत मजे आ रहे हैं, छोड़ दो क्या ची, क्या ची तोड़ेगी और कुछ नहीं, क्या इसमें हम फिट आ पाएंगे, क्या कोई गुंजाइश दिख रही है कि इसमें फिट आ पाए? मुश्किल, पैसे मार्जिन है बहुत, तब आ जाएंगे। तब मार्जिन कहाँ से? मेरा पता है कहाँ से बन के आया था, चटकीला गोल्डन आपको कहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो वर्क हो रखा है ना, ये पूरा उससे हो रखा है, हाथ से, जरी से, हाँ हाथ से और जरी से, और इसमें ना ये सिल्वर गोल्डन है। तो इसमें जो मैंने डिजाइनिंग करी थी वो पीच कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड दिया था, पीच, और उसी तरीके से इसका दुपट्टा देख, वहाँ पड़ा हुआ देख दुपट्टा देख। हाँ तो ये मैंने आज नोटिस किया,
नहीं ये तो पीछे पता चल रहा है चाचा, ध्यान से देखने, इस आदमी को ध्यान से देखो आप, बाकी गौर से देखिए। 6 साल बाद देखा मैंने। देखो ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है इसको, सेम। आप मेरे बिल्कुल लहंगा देखा। वो क्या कर रही हो? कि जब आकांक्षा ये लहंगा पहन के जब सामने आई थी सबके, तो सबके होश उड़ गए थे। मतलब मैं तो मतलब मुंह खुला का खुला रह गया था सबका, वर्ड्स ही नहीं था। इतनी सुंदर लग रही थी, मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था, शादी का अच्छा हुआ था। पालकी में बैठ के आ रही थी ना, वो वाला सीन तो इतना जबरदस्त, पालकी में होके सवार थे, जो गाना भी बजा था उसको। कलीरे क्या होते चाचा? मुझे नहीं पता, जो मैं पहन के आई थी कलीरे नहीं पता आपको। दुल्हन क्या क्या पहनती थी? लहंगा पहनती है, कंगन पहनती है, वो जो लंबे लंबे से लटके से होते हैं। मैंने कहा था मुझे सिंपल सिंपल चाहिए। कलीरे कौन लाया था? कलीरे बहने लाती है। ये देखो देखो देखो, ये कंगन, ये कड़ा पहनाते हैं ना चांदी इसका लोहे का, उसके साथ है कि नजरे उसकी खुशक की नजरे देख पलक। इसमें नाड़े कहाँ से आ गए हैं? हाहाहाहा ही 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 ही, इसको भी किचू लक डिंग डिंग लक डिंग डिंग लक लक। बस इसकी कमी है, ये पहन लो, ये भी कर लो, ये पहन लो। मम्मा के कलीरे होते हैं ये कलीरे, लेकिन एक हाथ का ये वाला मिसिंग है, उसी में होगा ये। हाँ, हाँ ये डालो ना, इसकी कमी लग रही है बस। अब लोग कहेंगे इनको क्या हो गया। मम्मा पापा की शादी है, ओए मम्मा पापा की शादी है, आज मेरी मम्मा की शादी है, आज मेरे मम्मा की शादी है, आज मेरे पापा की शादी है। कीजू तुझे इन लोगों ने शादी में नहीं बुलाया था? तुझे नहीं बुलाया था बेटा, ये रखो। यार ये चूड़ा तो थोड़ा खराब हो गया, ऑनेस्टली चूड़ा खराब हो गया, इसमें थोड़ा नग निकल गया, क्योंकि आपने इसको पहना भी तो है ना। मैंने इसको बहुत पहना है गाइस, बहुत पहना है। और ये पूरा चूड़ा नहीं है ना पलक? नहीं, ये वाले कुंदन वाले कड़े जो है ये नहीं है इसमें, ये बीच में होते हैं। यार 6 साल है और मैंने इसको एक्शन पहनू बहुत पहना है, इस टाइप से था मतलब कैसे। और फाइनली है मेरी चप्पल, मम्मा की चप्पल नहीं बोलते सैंडल बोलते उसे, मेरी चप्पल यहीं पे निकाली थी। ये क्या ना, चप्पल भी ऑब्वियसली मैंने बहुत पहन ली है। तो इसमें गाइस इसको ना आप ऐसे जज करना, 6 years बैक मैंने अगेन बिल्कुल एक खाली इस पे ना, खाली एक इस पे ये था उल्टी। अगर किसी को इस चप्पल से लग जाए ना, बिल्कुल सिंपल एक ये था, निकाल दिए सर। हाँ सारी चूड़ी निकाल दी क्यों? ये अब डंडा पड़ेगा आपको, डंडा। ये बताना गाइस चप्पल कैसी लगी, चप्पल कैसी लगी, क्या पूछती है तुमने? अब अनूप की आएगी शेरवानी की बारी। अनूप ने अपना सामान, अनूप ने अपना सामान नहीं बस संभाल के रखा हुआ है, तुम्हारा पता नहीं स्टॉल का है? नहीं पता नहीं, शेरवानी दिखाइयो अनूप की, मेरे पास शेरवानी और जूती मिल जाएगी, तुम ही खोल दो ना, तुम ही खोलो अब। हाँ आगे ले आ बेटा, और जब अनूप शेरवानी पहन के आए थे मुझे वो सीन याद है, वहाँ पे ना वो गाना बज रहा था अजीम वो शान शहंशाह। इस पे पूरा सेल्फ पे काम है, अगेन नो चमक धमक। और पगड़ी, आई रिमेम्बर पगड़ी, आई वाज लाइक नो मरून पगड़ी, नो क्रीम पगड़ी। और इन्होंने पहले ले भी ली थी, पहले वो मरून पगड़ी अलग से बनवाया था, पहले इस रंग की पगड़ी थी, पलक किस रंग की? हाँ इस रंग की, लेकिन बाद में हमने अलग से इस रंग की बिल्कुल ये वाली। मुझे एक ही सीन याद है, मैं अंदर रूम में थी तो मुझे तो देख नहीं पा रही थी, अलग लेवल का एक्साइटमेंट था। तो जब पापा आए ना बेटू, तो मेरे पास भागती हुई आई मामी,
भागती हुई मामिया की कह रही है, अंकू अनूप क्या लग रहा है, मान गए तुझको। मेरे को वो लाइन अभी तक मेरे माइंड में है। क्या सेम? हाँ, इसी के साथ ये इसी के सेम फैब्रिक की, वो सब कुछ एक साथ देखते हैं। इन्होंने आपने जूती तो पहनी है शायद एक बार किसी चीज पे? नहीं पहनी। नहीं नहीं कभी नहीं पहनी। तो कल हम ये दोनों पूरा पहन के तरीके से तैयार होके यहीं पे दो तो तुम्हारा तो अल्टर करना पड़ जाएगा बेबी, मेरा तो हो जाएगा। ज्यादा अल्टर नहीं, हमने देख लिया, फालतू मत बोलो। तो ये तुझे भी पहनना है, तेरे बच्चों को भी पहनना है, अगर तेरा बेटा हुआ तो तेरी बहू को पहनना है। बाबू नहीं, शादी नहीं करनी, कह रही मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। मम्मा क्या कर रहे हो? खुद से मारा, मैंने नहीं मारा। चलो इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। अपने आप को खुद मारा है ना, डंडा चाहिए फिर खुद को ही मारना है, इधर आओ। खुद ही रोना है। आ भी रही है फिटने। सो गाइस, सालों बाद, 6 साल बाद जो है मैंने अपनी शादी का लहंगा सामान सारा देखा, यादें मेरी तो बहुत ज्यादा ताजा हो गई है। और अभी इसके बाद मैं वीडियो भी देखूंगी, लेकिन लेकिन इतने सालों बाद मैंने अपने शादी का जोड़ा निकाला, सब सामान निकाला, और इतनी बड़ी बात मुझे आज पता चली जो मुझे एक्चुअल में उससे पता होती तो मैं ये गलती तो नहीं करती कि इतना महंगा मैंने लहंगा खरीदा और मेरे पति ने उसको नोटिस ही नहीं किया। मेरे पति को पता ही नहीं है कि उस लहंगे में कौन से रंग का दाग है। अब आप लोग कहोगे कि कोई ये बात है नोटिस क्यों नहीं बात है, शादी का जोड़ा तो पति नोटिस कर सकता है कि इसमें पीच रंग का धागा है, उसको नहीं पता। अरे बात ये थी कि चाचा का जो आपके फेस पे उनकी आंखें टिकके रह गई। तुम जो बात बात पे अपने चाचा की साइड लेती हो, ये नहीं पता पीच कौन सा है, और ऊपर से वहां पे क्या लहंगे उठा उठा के देखो। रात भी तो थी ना, रात थी भाई। चेहरा इतना सुंदर हो तो लहंगे को कौन देखे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। आप लोगों को लगेगा कि तो एक किसी बड़ी बात बोलते हैं, बट नहीं लगता कि 6 साल हो गए हैं। मुझे क्या पलक को भी नहीं लगता होगा कि ये चाची जो है 6 साल से। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हम मनाने जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी, और कोई बहुत धासु सा गिफ्ट देने वाला है। हाँ, तो बोला धासु सा, देखते हैं अपना धासु निकल गया है, कितना धस गया मुझे ही पता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धासु गिफ्ट के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, व्हिच इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो मेहंदी की रात है। हाँ।